हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले कि हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, जो डायनेमिक कंटेंट है, वो हम कैसे बिल्ड किए थे। ठीक है, तो लेट्स गो टू प्लगइन। हम एक प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, प्लगइन में जाते ही जो प्लगइन हमें यूज़ करना है उसका नाम है कॉन्टेंट व्यू। आप अलग अलग प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा है, बट अगर आपको सेम आउटकम या फिर सेम लॉजिक चाहिए तो आपको ऑफकोर्स जो प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं आपको यूज़ करनी होगी। तो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेंट प्लगइन। ठीक है, ये प्लगइन थोड़ा सा इजी भी है, सॉरी कंटेंट व्यू। ठीक है, ये देखिए कंटेंट व्यू हमने लिख दिया यहाँ पर। अब वेट करते हैं हमारे प्लगइन का। तो जो हमारा प्लगइन है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये हमको प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो इस प्लगइन को हम कर लेते हैं इंस्टॉल। तो डिपेंड्स ऑन योर नेट, ये इंस्टॉल हो गया फटाफट। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो कंटेंट यूज करने वाले हैं मैं बताता हूँ कैसी है। ठीक है, तो लेट्स गो टू पेजेस। ठीक है, अब हम अपने एक एक पेज को एक अलग सा लेआउट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, समझ लो पेजेस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक पेज बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा टीम पेज। ठीक है, तो आप अपने पेजेस को अलग अलग तरह से बना सकते हैं, अपने यूआई बिल्ड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्लगइन और थोड़ा सा लॉजिक यूज करके हम एक डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इस पेज को हम नाम दे देते हैं आवर टीम। अब इसको हम कहाँ यूज करें मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिश। इसके बाद यहाँ पे मैं एक एक कंटेंट ले लेता हूँ बेसिकली, जैसे कि प्लस पे लिख के मैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे लेता हूँ एक सेक्शन। ये सेक्शन फिलहाल एम्प्टी रखता हूँ। यहाँ पे हमें एक लेआउट जो हमको काम आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, तो मैं फॉर इसको हैज़ अ यूजेज मैं इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो कुछ ही देर में ये इम्पोर्ट भी हो जाएगा। इम्पोर्ट होने के बाद हमें ये सब चीज़ें हटानी है। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा लेता हूँ, इसे भी हटा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूआई थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाकि थोड़ी सी चीज़ें हमारी अलग हो जाए। तो आवर टीम या फिर आप फैमिली ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैं आवर टीम करके रख देता हूँ। अपडेट। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे जाना है वापस से इस पेज में। यहाँ पे अब मैं जाऊँगा पोस्ट में। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला, ध्यान से देखना। अब मैं पोस्ट की मदद लूँगा हमारे टीम मेंबर्स को बनाने के लिए। तो जितने भी छोटे मोटे चीज़ें जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो आप पोस्ट का यूज़ करके चीज़ें बना सकते हैं। ऑफकोर्स यू कैन यूज़ पेज टू, बट पोस्ट ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा पोर्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ पेजेस। तो लेट्स सी, लेट्स ऐड अ न्यू पेज, सॉरी न्यू पोस्ट। अब इस न्यू पोस्ट को हम एलिमेंटर से यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान रखना कि आप एलिमेंटर में एडिट करना शुरू कर लें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँ, समझ लीजिए पंकज बरनवाल। ठीक है, समझ लो मैं एक सर का और लाइक अपने एक टीम मेंबर का बना रहा हूँ। तो उसको बोले तो एडिट विद एलिमेंटर। अब देखना हम किस चीज़ों को कितना इजीली बिल्ड करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे चेंज नहीं किया, 10 मिनट, इसे कैंसिल कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं पब्लिश। ठीक है, तो इसे पब्लिश कर लेते हैं, देन इसके बाद हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, तो अब इस, ठीक है, तो आप चाहते हैं तो इस पेज को आप फुल विड्थ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आकर लाइक यहाँ पर जाएं, यहाँ पे डिफॉल्ट में आप इसको ले ले एलिमेंटर फुल विड्थ, या फिर आप ऐसे भी रहने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एलिमेंटर फुल विड्थ में जाना चाहूँगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक थीम ले लेते हैं। ठीक है, लाइक एक डेमो ले लेंगे बेसिकली फॉर अ टीम पेज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम जाएंगे इस पेज में। अब यहाँ से जो भी टेम्पलेट, जो भी डेमो हमको अच्छा लगे हम वहाँ पे लाइक उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। सो लेट्स सर्च टीम। अब देखिए टीम में कौन कौन सा डेमो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे टीम में तो बहुत सारे डेमो अवेलेबल है, बट हमको एक स्पेसिफाइड लाइक डेमो चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सर्च फॉर ब्लॉक्स। ठीक है, अब हम ब्लॉक्स में जाएंगे, एक स्पेसिफाई एक ब्लॉक थीम लाइक एक ब्लॉक डेमो लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि कौन सा ब्लॉक डेमो हमारे यूआई को सेटिस्फाई करे। ओके, देन लेट्स देन यूज दिस वन। तो मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि हम लाइक कैसे चीज़ें बिल्ड करने वाले हैं। यूआई आप कोई भी ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी वही यूज़ करें आप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ का फोटो मैं चेंज कर लेता हूँ पहली बात। ठीक है, तो यहाँ का जो फोटो होगा, यहाँ पे फोटो मैं हटा दूँ पहले, और यहाँ पे जो मैं फोटो यूज़ करना चाहता हूँ वो फोटो हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलो यहाँ से पंकज सर का फोटो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं डेस्कटॉप में, फोटोज फॉर वेबसाइट्स।
एक्सपर्ट टीम नहीं यहाँ पर नहीं बाहर, देन फोटोज ऑफ टीम, ये रहे पंकज सर, सिमरन मैम, ठीक है मालपानी सर, ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे हमने सारे फोटोज ले लिए, बस इसे अपलोड होने और लाइक टाइम थोड़ा देते हैं, ये अपलोड हो जाएगा फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मालपानी सर का फोटो हो गया अपलोड, लेट्स इंसर्ट इट। यहाँ पे मालपानी सर का फोटो आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम इनके बारे में लिख देंगे लाइक, ठीक है जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे देखिए मालपानी सर का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, बट फिलहाल हम वो सब नहीं करने वाले। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम आगे की चीज़ें रेप्लिकेट करके यू नो फटाफट एक डायनेमिक कंटेंट और एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो इसे हम कर लेते हैं अपडेट। दो तो मैं कह देता हूँ कि कंटेंट्स के लिए जब हम कैटेगरीज बनाते हैं तो कैटेगरी एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये कैटेगरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने लाइक हेल्पफुल होने वाले, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे टीम करके लिख लेता हूँ, ठीक है। टीम में भी कौन, फॉर एग्जाम्पल मैं टीम में रख लेता हूँ इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास सर इन्वेस्टर है तो मैंने टीम में इन्वेस्टर रखा। नेक्स्ट यहाँ पे आप स्लग पेरेंट्स सब कर सकते हैं, तो ऐड न्यू कैटेगरी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और कैटेगरी लेते हैं जैसे कि कोर टीम, ठीक है, लाइक जो टीम ज़्यादा करके काम करती है हमारे स्टार्टअप में, रेदर देन इन्वेस्टिंग और मैनेजिंग के, ठीक है। तो ऐड न्यू कैटेगरी में हम क्या लिखते हैं, तो हमारे पास अब दो है, एक है कोर टीम एक है टीम इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो लेट्स गो टू आवर पोस्ट। अब और पोस्ट पे जाने के बाद इसी चीज़ को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट दिस। सो लेट्स क्विक एडिट में इसको जाके चेंज करते हैं फटक से। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ पंकज सर, ठीक है। यहाँ पे ड्रिफ्ट में जाके इसको कर लेता हूँ पब्लिश। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैटेगरी नहीं दी गई है, तो आप यहाँ से भी कैटेगरी दे सकते हैं और आप स्पेसिफाई अंदर जाके भी दे सकते हैं। तो मैं इसको टीम इन्वेस्टर्स की जगह कोर टीम में रखता हूँ, ठीक है, और अन कैटेगरी से हटा लेता हूँ। अब इसे कर लेते हैं अपडेट। सेम जो ये है दूसरा माल लाइक दूसरे जो पोस्ट है हमारे पास सर पे, इनका हम लिख लेते हैं सिमरन मैम, ठीक है। देन इसके बाद ये भी कोर टीम में आ गई, अन कैटेगरी से हटा देते हैं इनले, पब्लिश एंड लेट्स अपडेटेड। अब मालपानी सर को हमें करना है, मालपानी सर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अन कैटेगरी से हटा देते हैं, एनालाइज पब्लिक सेट हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे स्लग हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लग पंकज बरौन की जगह हम लिख लेते हैं मालपानी, ठीक है मालपानी सर, ये हो गया अपडेट। अब स्लग क्या होता है, स्लग यहाँ पे देखिए स्लग लिखा हुआ है, ठीक है जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे स्लग लिखा हुआ है, एक मिनट। तो जब भी आपको स्लग करके कोई चीज़ मिल रही हो, स्लग कहने का मतलब है कि जब आप एक पोस्ट खोल रहे हो, ठीक है, समझ लो अगर मैं अबाउट में जा रहा हूँ तो मेरे वेबसाइट का देखो ये नेम है, राइट। पर अगर देखोगे तो जब मैं अबाउट पेज में गया तो यहाँ पे देखो अबाउट करके आ रहा है, तो ये जो अबाउट है ये हमारा स्लग हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे मेन डोमेन के साथ एड्रेस के साथ जब कोई एक नया वर्ड ज्वाइंट हो जाए तो उसको हम एज अ स्लग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव आउट। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे तीन पोस्ट बन गए जिनको हम एज अ टीम रिप्रेजेंट करें, तो मैं इसके अंदर फिलहाल भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ सके हम कैसे यूज़ करें। लेट्स गो टू कंटेंट व्यूज। अब कंटेंट व्यूज़ में हम इनका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कंटेंट व्यूज़ में हम जाके एक न्यू ऐड न्यू कर लेते हैं, एक न्यू कंटेंट लाइक व्यू क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले हम कोर टीम को लाइक जो है उसके लिए बनाएंगे और एक इन्वेस्टर्स टीम के लिए बनाएंगे, तो इसका नाम रख देता हूँ इन्वेस्टर, ठीक है। देन इसके बाद पोस्ट में ये देंगे हम, यहाँ पे देखिए एडवांस में टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, तो इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी में मैं यहाँ पे रखता हूँ इन्वेस्टर्स, मतलब ये उन पोस्ट को दिखाएगा जिसमें इन्वेस्टर्स यू नो लाइक जिनको मैंने एज ए इन्वेस्टर्स यू नो सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मैं तीन पोस्ट एक साथ रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट शो थंबनेल ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसके बाद इन सब चीज़ों को आप यू नो एडिट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स अपडेट इट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मालपानी सर का एक देखो दिखेगा, ये रे मालपानी सर। अब ऑफकोर्स यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा क्योंकि हमने फोटो ऐड नहीं किया, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इसे कर लेते हैं सेव। अब इसे सेव कर लेंगे हम तो इसको हमको एक यू नो एक शॉर्टकट मिल जाएगा, तो हमको इसका बेसिकली शॉर्टकट यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी किया एंड यहाँ पर आकर हम एक शॉर्टकट ले लेंगे, ठीक है। सेक्शन लेते हैं पहला, समझ लो ये सेक्शन लेते हैं। अब उस सेक्शन के अंदर हमको चाहिए एक शॉर्टकट, ठीक है।
जस्ट अ मिनट, ये रहा शॉर्ट कोड और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स दिखेंगे, ठीक है, अपडेट। अब इसके बाद इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, इसी चीज़ को हम यहाँ पे वो कर लेते हैं डुप्लीकेट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसका अलाइनमेंट यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इन्वेस्टर्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इन्वेस्टर्स, हो गया अपडेट। अब यहाँ पे एक और हम बनाएंगे, ठीक है, एक और कंटिन्यू बनाते हैं हम फटाक से। लेट्स गो टू ऐड न्यू। अब ऐड न्यू में जाने के बाद हम यहाँ पर चीज़ें चेंज कर लेंगे फटाक से थोड़ी टाइम में। सेम प्रोसेस करना है आपको, कोई अलग सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे टीम कोर, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं बट नाम आपको समझ में आए इसलिए आप रेफरेंस के लिए सेम नाम रखें, ठीक है, या फिर ऐसा नाम जो आपको पता चले कि आप क्या करना चाहते हो उसमें। फिर कैटेगरी में यहाँ पे मैं चाहूँगा कि वो पोस्ट दिखे जो उसमें टीम, यू नो, कोर टीम हो। नेक्स्ट एडवांस, इसमें एक एक लाइन में तीन दिखनी चाहिए, अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे दो दिखेगा, देखो पंकज सर और सिमरन राम दिख रहे हैं आपको। लेट्स सेव इट। सेव करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर आएंगे फटाफट और हमको इसका एक और शॉर्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा शॉर्ट कोड, इसी सेम चीज़ को डुप्लीकेट कर लेते हैं फटाक से, डुप्लीकेट, ठीक है, एंड इसको भी हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, ये रहा। यहाँ पे शॉर्ट कोड पेस्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ओके। इसको यहाँ से बाहर ले लेते हैं पहली बात, यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा अंदर, ये इसके नीचे हो गया। अब कर लेते हैं इससे अपडेट, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं प्रीव्यू। तो हमारे पास आवर टीम करके एक पेज आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको बाहर जाते हैं हम, ठीक है। तो आवर टीम करके हमारे पास एक पेज है, लेट्स गो टू ऑल पेजेस। ऑल पेजेस में हम जाएंगे अब होम पेज में, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब होम पेज में जाने के बाद हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो है एक बटन ऐड करना, और कहाँ पर हम बता देते हैं। अगर हमने ऐड किया देखते हैं, ठीक है, दिए किया है कि नहीं, तो हमको जाना है होम पेज में। तो होम पेज में हमको एक बटन ऐड करना है बेसिकली, कहाँ पर, ये देखिए आवर टैलेंटेड टीम, जाके हमारे पास बटन पहले से ही है। सो इस बटन को बस हमको लिंक करना है किससे, टीम पेज से, ठीक है। तो हमारा टीम सेक्शन कहाँ गया, फटाफट फटाफट, ये रहा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक बटन, ये बटन हटा लेते हैं, ये काम का नहीं है। अब यहाँ पे आवर टीम में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सेव करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीम, ठीक है। तो मुझे टीम पेज को यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे देखिए लिखा है आवर टीम, तो मुझको यही ये पेज ज्वाइन करना है, तो आवर टीम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स अपडेट इट, ठीक है। अब इसके बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए क्या होता है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे आके हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, बस थोड़ी सेकेंड्स में रिफ्रेश हो जाएगा। अब इसके रिफ्रेश होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक न्यू पेज खोल के देगा, जो कि ये देखिए आवर टीम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पहले, मालपानी सर, अच्छा ये पेज फुल विद नहीं है बेसिकली, इसे हमें फुल विद करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अच्छा इन्वेस्टर्स की जगह हमको यहाँ पे लिखना था कोर टीम, ठीक है। यहाँ पे देखिए मालपानी सर और सिमरन राम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, यहीं पे जाए पोस्ट में। अब मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो चाहिए, तो समझ लो मैं मालपानी सर का यहाँ पे फोटो डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मालपानी सर, एडिट एडिट करके पहले हम जाएंगे एडिट में, ठीक है। एडिट में जाने के बाद हमको पहले यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करना है, तो फोटो हम कहाँ पे ऐड करते हैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो हम फोटो यूज़ करने वाले हैं हम उसको ऐड करेंगे एज अ फीचर्ड इमेज, तो जो भी फोटो आपको यूज़ करना हो आप उसको फीचर्ड इमेज में ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक ऑप्शन आएगा फीचर्ड इमेज, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जो भी इमेज आपको देना हो दे सकते हैं। जैसे कि मैं मालपानी सर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मालपानी सर का एक फोटो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस फोटो को यहाँ पे ऐड करने के बाद इससे कर लेते हैं अपडेट। अब इसे अपडेट करने के बाद जब यहाँ पे इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए यहाँ पे मालपानी सर का एक फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मालपानी सर का फोटो आ गया। तो अभी जो इसमें चीज़ें दिख रही है, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर के अंदर,
जो भी चीज़ें वहाँ पे आप डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखना दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पर स्पेसिफिकली क्लिक करूँ, ये देखो रीड मोर, तो ये मुझे मालपानी सर का जो पेज था जो हमने क्रिएट किया था वो देखो ये हमें खोल के दे देगा, ये देखो मालपानी सर का पेज। इसी के साथ साथ हम हर एक पेज को इसी तरह से रेप्लीकेट करके एडिट कर सकते हैं और हम इसे डायनेमिक कंटेंट कर सकते हैं। अब समझ लो कल को कोई नया नया यूज़र आया, कोई नया समझ लो यू नो वर्डप्रेस मेंबर आपके साथ आया जो आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ, अब वो क्या करेगा, बेसिकली इसी पेज को यू नो डुप्लीकेट करेगा, जो भी चीज़ उसको चाहिए उसमें वो ऐड कर देगा और बस सिलेक्ट कर देगा कि कौन सी टीम में जाना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद वो उसे सेव कर देगा तो वो उस कैटेगरी में यहाँ पर आकर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।